बड़ी खबर आपको बताते चलें कि सीएम की सुरक्षा में चूक में किसकी लापरवाही सामने आई। दरअसल दिल्ली में मंगलवार की देर रात सीएम भजनलाल बाल बाल बच गए। बताया ये जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में ठहरे थे, यहां पर हीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कमरे में आग लग गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम के बार बार अलार्म बजाने के बावजूद कोई सुरक्षाकर्मी वहां पर नहीं पहुंचा था और इस मामले की अभी जांच की जा रही है। इस मामले में दिल्ली में सीएम सिक्योरिटी प्रभारी सीआई रामचंद्र पर गाज गिर सकती है क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी में सिर्फ आरएसी एक जवान ही तैनात था। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम की सिक्योरिटी जोधपुर हाउस में मौजूद नहीं थी। सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता दिल्ली पहुंचे और इस मामले में सीएम सिक्योरिटी टीम से पूछताछ की। बता दें कि इस मामले में जेएन महेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर रिंकू मीणा की अगुवाई में जांच टीम गठित की गई है। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।